हेलो एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बिगोनिया की केयर, आप गर्मियों में कैसे करें ताकि वो ठीक रहे। हालांकि गर्मियों में ये फ्लावरिंग बहुत कम करता है, कहीं कहीं ऐसी जगह जहाँ पर रात की ठंडक और दिन की गर्मी होती है वहां पर ये फ्लावरिंग करता रहता है, लेकिन जहां पर गर्मी ज्यादा होती है वहां पर ये फ्लावरिंग मई जून के बाद बंद कर देता है। अगर गर्मियों में हम इसकी थोड़ी सी केयर ज्यादा कर लेते हैं तो ये आराम से बच जाते हैं, अगर कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए। वो कौन सी, वही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प हो सके और मेरी ये छोटी सी मेहनत आपके ज्यादा काम आ सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों इसको गर्मियों में बचाने के लिए जो पहला काम अभी आपको कर लेना है वो ये कि जो भी इसकी आपको खराब पत्तियां, जली बुझी पत्तियां लगे उनको काटिए, साथ में ही जो फ्लावर हैं वो स्पेंट हो गए हैं उनको भी काट दीजिए, क्योंकि पौधा जो है वो नई ग्रोथ पर, हेल्दी पत्तियों पर अपना टाइम लगाएगा, उसको फीड करेगा, जिसका फायदा पौधे को होगा हेल्थ मेंटेन करने में। तो ये पहला काम आपको जरूर कर लेना है। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि पौधे को मॉइस्चर आपको प्रोवाइड करवाना है, मॉइस्चर इसको देना है, वो इसकी मिट्टी में ही नहीं इसके आसपास के एनवायरमेंट में भी होना चाहिए। उसके लिए इसको ब्राइट लाइट भी मिले, लेकिन ये सीधा किसी ऐसी जगह पर भी ना हो गर्मियों में जहां पर गर्म हवाएं इस पौधे को लगे। गर्म हवाएं लगेंगी तो पत्तियां जल जाएंगी, पत्तियां जलेंगी तो धीरे धीरे स्टेम्स भी जलना शुरू हो जाएंगी, खराब होना शुरू हो जाएंगी। इसकी लोकेशन अच्छी हो, मॉइस्चर आसपास प्लांट के बना रहना चाहिए। इस पौधे की पत्तियां थोड़ी सी थिक होती हैं, स्टेम्स में जो इसकी टहनियां हैं उनमें भी पानी स्टोर रहता है, अगर आप पानी ज्यादा देंगे तो भी पौधा खराब हो जाएगा। इसीलिए आपको पानी तभी देना है जब 2 इंच तक मिट्टी इसकी ड्राई आपको लगे। हमेशा उंगली से ही पानी देने से पहले मिट्टी को चेक किया कीजिए, क्योंकि अगर वैसे ही देखते हैं तो हमें मिट्टी ड्राई लगती है, लेकिन टच करते हैं, थोड़ा नीचे तक टच करते हैं तो पता लगता है कि मिट्टी गीली है या सूखी है। ये चीज अगर आप प्लास्टिक के गमले इस्तेमाल करते हैं तो जरूर ध्यान रखिएगा, हमेशा ही पानी चेक करके दीजिए, नहीं तो पानी के कारण भी पौधे ये खराब हो जाते हैं। पानी का आपको जरूर ध्यान रखना है, गर्मियां जो है वो पानी की कमी के कारण पौधों को मारती हैं, क्योंकि इस पौधे को पानी ज्यादा भी नहीं चाहिए, कम भी नहीं चाहिए, तो इसीलिए आपको इस चीज को मेंटेन करना है। एक दूसरा, इसके आसपास जो है मॉइस्चर मेंटेन करने के लिए आप कुछ इस तरीके के जो बड़ी पत्तियों वाले पौधे हैं उनके साथ इनको रखें, वो इंडोर हो या आउटडोर हो, लेकिन शेड लविंग प्लांट हो जिनके नीचे आप इनको आसानी से रख सकते हैं। बिगोनिया आमतौर पर ऐसी जगह को पसंद करता है जहां पर उसको मॉइस्चर के साथ साथ थोड़ी सी ठंडक भी मिलती रहे। गर्मियों में जब आपके एरिया में लू चलने लग जाए तो अगर आपने इस तरीके से हैंगिंग बास्केट में लगा रखा है तो उतार कर नीचे रखना ही बेहतर होगा, क्योंकि गर्म हवाएं टोकरी पर लगती रहेंगी और वो बार बार इस पे लगेंगी तो जड़ें भी गर्म होंगी, मिट्टी भी गर्म होगी, जिसके कारण मॉइस्चर आसपास बनाना मुश्किल हो जाएगा। बड़े पौधों के पास जैसे इस तरीके के बड़ी पत्तियों के पौधे हैं उनके साथ रखने का फायदा ये होगा कि पत्तियां इस पर झुकी रहेंगी तो इनके बीच में मॉइस्चर आराम से बना रहेगा, अगर नेचुरल तरीके से इसको मॉइस्चर मिलेगा तो ये बहुत ज्यादा आसानी से सर्वाइव कर पाएगा, खासतौर पे बहुत ज्यादा गर्मियों के दौरान जब जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री से ऊपर चला जाता है तब। तो उस टाइम पर आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना है, पानी ध्यान से देना है, पत्तियों के ऊपर पानी मत डालिएगा, पानी इसमें रुकता है, इसकी पत्तियां बिल्कुल सीधी नहीं होती हैं, पानी इन पर टिका रह जाता है और बार बार पानी डालते रहेंगे तो उसके कारण भी पत्तियों में प्रॉब्लम हो जाएगी, वो गलकर खराब हो जाएंगी। अब जो इसके बाद आपको बात ध्यान रखनी है वो ये कि इसमें किसी भी तरीके का कोई भी फर्टिलाइजर आप गर्मियों में नहीं देंगे, खास तौर पे अब अप्रैल के बाद तो बिल्कुल भी कोई फर्टिलाइजर आप इस प्लांट को नहीं देंगे। फर्टिलाइजर देने से इसकी जड़ें खराब हो जाएंगी, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा मिलेगा पौधे को तो जड़ें गर्म होती हैं, गर्मी पहले ही मौसम में होती है जिसके कारण जड़ें बहुत जल्दी खराब होती हैं, पत्तियां पीली होकर सूख कर जली जली सी नजर आने लगती हैं और वो भी पौधे को खराब कर देता है। तो खाद भी आपको नहीं डालनी है, सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चर का सारा खेल है, अगर मॉइस्चर मेंटेन कर लेते हैं तो पौधा ठीक रहता है।
अब एक और प्रॉब्लम इस प्लांट में आती है, वो कि इसमें किसी तरह के माइट्स का अटैक, खास तौर पे स्पाइडर माइट्स या मिली बग्स या एपिड्स का अटैक हो जाता है। उसके लिए आप नीम ऑयल या फिर किसी भी तरह के जो भी इंसेक्टिसाइड आप यूज करते हैं उसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। शाम के समय इस्तेमाल कीजिएगा, सुबह के टाइम फिर से साफ पानी से पत्तियों को साफ कर दीजिएगा, और ये काम आपको हर 15 से 20 दिन में रिपीट करना है ताकि ये प्रॉब्लम पौधे में आए ही ना और इसके कारण पौधे खराब ना हो। अगर आप इस पौधे को बचा लेते हैं बारिशों तक, तो बारिशों में आप इसकी जितनी चाहे उतनी कटिंग आसानी से लगा सकते हैं जो कि आराम से चलेंगी। अब आप कहते हैं कि आपको नहीं पता कि बारिशों तक ये पौधा बचेगा या नहीं, तो उसके लिए अभी कटिंग लगा लेते हैं। किन बातों का ध्यान आपको रखना है वो मैं आपको बता देती हूँ। साथ में ही अगर आपको लगे कि आपका पौधा नीचे से खराब होने लगा है, पत्तियां जो है वो सूखने लगी है, तो उस टाइम पर पौधे को बचाने का सबसे बढ़िया तरीका जो होता है वो यही कि कटिंग लगा लीजिए उससे पहले कि पौधा ऊपर तक खराब हो। जितनी भी ऊपर की कटिंग आपको मिले आप लगा लीजिए, चांस बढ़ जाते हैं कटिंग के सरवाइव कर जाने के। और पौधा अगर मर रहा है तो हो सकता है कि पौधा ना बचे और कटिंग बच जाए। दोस्तों सबसे पहले आपकी जो सीजर है, जो कैंची है या कटर है, वो स्टरलाइज जरूर होना चाहिए। कटिंग लेने के लिए सिंपली आपको जिस बात का ध्यान रखना है वो ये कि आपकी जो भी कटिंग होगी उसमें नॉड एरिया आराम से जरूर देखिएगा, यानी कि उसमें पत्तियां इस तरीके से होनी चाहिए। इस तरीके की कटिंग आप लेंगे जहां पर ये पत्तियां आप देख रहे हैं, यहां से पत्ती निकल रही है और ये इसका नोड एरिया है, यहां से रूट्स इसमें आसानी से निकल जाएंगी। तो इस तरीके की कटिंग आपको लेनी है, ज्यादा बड़ी कटिंग लेने की जरूरत नहीं है। इस तरीके की कटिंग लीजिएगा, जो भी अगर फ्लावर है तो उसको रिमूव कर दीजिएगा। अब आप देख सकते हैं कितनी छोटी कटिंग है, यहां पर इसका नोड एरिया है। कुछ भी एक्स्ट्रा आपको यहाँ पर लगता है जो लगे कि गल जाएगा मिट्टी में जाने के बाद, तो उसको आप आराम से कट करके निकाल दीजिए इस तरीके से। और सिंपली आपको मिट्टी में अपने जो भी आप ले रहे हैं उसमें इसको लगा देना है, उस नोड एरिया को आपको जरूर दबाना है। जो ये नोड एरिया आप देख रहे हैं ये मिट्टी में आराम से जाना चाहिए इस तरीके से। पानी तभी देना है जब इसकी ऊपर की मिट्टी आपको हल्की हल्की सूखी नजर आए, तभी पानी दे दीजिएगा। अगर पानी देना भूल गए तो भी कटिंग खराब हो जाएगी, अगर पानी ज्यादा दे दिया तो भी कटिंग खराब हो जाएगी। तो इस तरीके से कटिंग आपको आराम से लगानी है, उसका ध्यान रखना है, पानी सूखने नहीं देना है लेकिन पानी ज्यादा भी नहीं होना चाहिए। साथ में ही इसको ठंडी लोकेशन दीजिएगा जहां पर पौधे को नेचुरल मॉइस्चर मिलता रहे दूसरे पौधों से और ये कटिंग खराब ना हो। इस तरीके से कटिंग लगाइएगा तो जरूर सर्वाइव कर जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वीडियो जरूर आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा। कुछ मुझसे छूट गया है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।